बाबा बकाला साहब रखड़ पुन्ने शुभ दिहाड़े से एशिया पंजाबी टीम ना आए हुए हैं। इत्थे वह स्थान है जिथे गुरु तेग बहादुर साहब धर्म की चादर ने 27 साल 9 महीने 13 दिन भोरे च भगती की। इत्थे ही गुरु लाधो होरे मक्खन शाह लवाने ने जो उसका बेड़ा तारिया गुरु तेग बहादुर साहब ने प्रगट किया गुरु नूं, ते पहला 22 गुरु बन गए सी। उस तो बाद जदों उन्होंने मक्खन शाह ने संगत नूं पुछया कि गुरु होर कोई भी है तो संगतां ने कहा कि तेगा रहिंदा है बाबे भोरे च जिथे कि वो दर्शन करनगे। उन्होंने 500 मोहरां सुकियां सी लेकिन उन्होंने 22 गुरुआं नूं 5-5 मोहरां टेकियां, इन्हां नूं 5 मोहरां टेक के वापस मुड़न लगे तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सिंघा 500 मोहरां सुक के 5 मोहरां टेकदा, तो उत्थे ही उन्हें विश्वास हो गया कि सच्चा गुरु है। तो घोड़े के उपर चढ़ के परने नाल गुरु लाधो रे दा होका दिता कि गुरु लभ पिया है। इत्थे अज संगतां दा बहुत विशाल इकट्ठा है, तुहानू तस्वीरां राहीं दिखावांगे, संगतां तों पुछांगे कि तुसीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। हाँ जी दसो जी, रखड़ पुन्या दे तुसीं कदों तों आ रहे हो? हाँ जी रखड़ पुन्या बहुत चिर तों आ रहे हैं, साढ़े लागे नगर साढ़ा लागे ही है बिल्कुल। रखड़ पुन्या नहीं गा गुरु साहब का गुरगद्दी दिवस है, गुरु तेग बहादुर साहब जी का आप रखड़ पुन्या के नाल जोड़िया वा, पर जोड़िया नहीं आप जोड़ना नहीं गा। ये गुरगद्दी दिवस गुरपुरब अज मनाया जा रहा गुरु तेग बहादुर साहब का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डिस्ट्रिक्ट तरनतारण श्री गोबिंदवाल साहब तो गुरु तेग बहादुर का 400 साल वेखण आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हो वाहिगुरू खालसा जी फतेह। बहुत वधिया मेला लगा जी, वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू। भारी इकट्ठ है, मौसम खराब होने के बावजूद भी संगतों का हाड़ आया होया इत्थे, ते आपदे मनोकामना पूर्ण करने लिए संगतां ने इत्थे नमस्तक हो रही ने, ते गुरु जी का गुरगद्दी दिवस मना रहे ने रखड़ पुन्या के तहत। ते असी अज आपां नमस्तक भी होए, असी भी नमस्तक होए हैं, ते संगतां भी नमस्तक हो रही ने। ते जिहड़े असी पुछांगे जी, हाँ जी की कहना चाहते जी? मत्था टेकना जी, बाबा जी दर्शन करना है। इतिहास बारे कुछ दसो जी। नहीं तो पहली बार आए जी। पहली बार आए जी। ठंडे मिठे जल की छबील लगी हुई है, तो इतने जी रोजाना की छबील पानी की छबील दो तो शुरू रही है। तो इतने मेले दौरान संगतों का हाड़ आया हो, जिस दौरान इतने संगतों ने नमस्तक होनी है, मौसम खराब के होने के बावजूद भी संगतों का हाड़ आया हो। गुरद्वारा बाबा साहब बकाला साहब के गुरद्वारा भोरा साहब के संगतां ने मस्तक हो रही ने, संगतां ने अपने अपने श्रद्धा मुताबक मत्था टेक रही ने। मौसम खराब के होने के बावजूद भी संगतां इत्थे बहुत नमस्तक हो रही ने। असीं तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं जिहड़ियां कि संगतां ने अपने अपने नमस्तक होने ते मौसम खराब होने का भी नहीं डर इन्हां नूं। ते की कहना चाहते तुसीं? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੀ ਦਸੂਹਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ।